हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टू नॉलेज पे। दोस्तों, जो मित्र कल से ही परेशान थे, एग्ज़ाम पे स्टे लगेगा, पोस्टपोन होगा, क्या होगा, मतलब वहाँ पो की स्थिति कल से वो सारी स्थिति क्लियर हो गई है। मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर की थी, आपने देखा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो शायद पहली बार देख रहे होंगे कि अभी दैनिक जागरण की एक मैंने न्यूज़ थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने ये बता दिया था कि हाँ, एग्ज़ाम जो होगा आपका कल ही होगा, नियत समय पे होगा, तो आप निकल जाएं। और ये जो कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, दिखाऊंगा क्या है, तो और भी सारी चीज़ें पुख्ता हो जाएंगी, कोई आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगती है हमारी तो लाइक अवश्य कर देता तो बनता है कि आप तक न्यूज़ पहुँचाते हैं, तो लाइक अवश्य कर दें। और नए हैं और ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ है, और कुछ चीज़ें मैं आपको रिमाइंड भी करा दूंगा एग्जाम को लेकर कि आपको क्या करना है। देखिए, कोर्ट नंबर 29 में, ठीक है, स्पेशल केस लगा था ये 2019 का। अप्लीकेंट थी ममता देवी और रिस्पॉन्डेंट थे स्टेट यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, सारी चीज़ भी हम चर्चा नहीं करेंगे, ये देख रहे हैं, बस पढ़ लेते हैं क्या है। और आपने पंकज मित्तल जी जज थे ऑनरेबल, और रोहित रंजन जी अग्रवाल जी थे। ठीक है, द अप्लीकेंट अपियर्ड इन द यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018, यानी ठीक है, यूपी टेट शॉर्ट में लिखा गया 2018, एंड वर प्रोवाइडेड विद द डी सीरीज ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट बाय द इन्वेस्टिगेटर। द रिजल्ट ऑफ द अप्लीकेंट हैज बिन डिक्लेयर्ड टू बी इनवैलिड लैंग्वेज। ठीक है, ये इनवैलिड लैंग्वेज बता दिया गया था। पता है आपको, MR sheet में छिड़खानी वगैरह की गई थी तो उससे इनवैलिड बता दिया गया था। द क्वेश्चन बुकलेट वॉज इन 5 parts एंड द part 3 वॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टू, वेर इन 30 question ऑफ इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत वेर ऑप्शनल। द कैंडिडेट हैड टू ऑप्ट फॉर वन ऑफ द 3 languages एंड टू अदर ओनली 30 question ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। और पता है कि पार्ट कितने थे, ये कह रहे हैं 5 पार्ट थे, जिसमें 3 लैंग्वेज सेकंड था, जिसमें 3 question थे इंग्लिश के, सॉरी 30 question थे इंग्लिश के, उर्दू एंड संस्कृत में आपको ऑप्शनल चुनना था। ठीक है, आंसर ओनली 30 question ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज। द अप्लीकेंट ऑप्टेड फॉर संस्कृत एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ संस्कृत फ्रॉम सीरीज, इन्होंने जो जिन्होंने केस किया हुआ है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं ऊपर ममता देवी ने, उन्होंने संस्कृत ही लिया था ऑप्शनल में, और 61 to 19 में सीरीज था। बट हर रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर टू बी इनवैलिड फॉर द रीजन दैट ऑन द टॉप ऑफ द OMR sheet वेयर द ऑप्शन फॉर द लैंग्वेज वॉज टू बी एक्सरसाइज, द एप्लीकेंट हैड फेल्ड टू कलर ब्लैक इन द ऑप्शन ऑफ संस्कृत। इन्होंने संस्कृत को कलर भी किया है, फिर भी इनका रिजल्ट जो है इनवैलिड घोषित कर दिया गया। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप देखने के लिए, पूरा थोड़ा सा बस 2 मिनट टाइम देंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लर्न सिंगल जज है डायरेक्टेड फॉर कंसाइनिंग द रीट पिटीशन फील्ड बाई द अप्लीकेंट फॉर द रीजन्स कॉन्टेंट इन हिज ऑर्डर डेटेड 17/12/12 पास इन रीट नंबर, ये है राजेश कुमार यादव एंड 20 others वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 other विच ऑल्सो पर्टेन टू डिस्क्रेपेंसी द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ यूपी 2018 बट विदाउट डिस्कस द फैक्ट ऑफ द केस ऑफ अप्लीकेंट। ठीक है, इसमें जो फैक्ट्स हैं उस पर डिस्कस नहीं किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। द अफोरसेड रीट पिटीशन वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ द MR sheet ऑफ द अपलेंट्स इन दैट रीट पिटीशन। हाउएवर द OMR sheet ऑफ द अपलेंट्स वॉज नेवर कॉल्ड फॉर एनी प्रोडक्ट बिफोर पासिंग द इवेंट ऑर्डर। ठीक है, ये OMR sheet की बात की जा रही है यहाँ पे। इन व्यू ऑफ अबव लर्न्ड स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, 2, 3 डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल ऑफ OMR sheet, मतलब जो ओरिजिनल OMR sheet है उसकी मांग की गई है। ठीक है, एज प्रेड बाई द लर्न स्टैंडिंग काउंसिल पुट अप ऑन 11/1/2019 ऑन विच डेट द OMR sheet शैल बी प्रेजेंट, यानी 11 तारीख को कहा गया है कि आप OMR sheet लेके कोर्ट में जमा करें। इन द मीन टाइम एज अ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट, ये मेन चीज है आपके लिए। इन द मीन टाइम एज अ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट असिस्टेंट टीचर शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 6/1/2019, यानी आपका एग्जाम जो है कल होगा। इट इज डायरेक्टेड दैट द अप्लीकेंट बी परमिटेड प्रोविजनली टू अपियर इन द सेट एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट शैल बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द रिट पिटीशन, यानी जिन्होंने जो याचिका करता है उन्हें प्रोविजनल रूप से एग्जाम में अपियर होने का हक दिया जाता है। ठीक है, एंड सेट एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट शैल बी सब्जेक्टेड टू डिसीजन ऑफ द रिट पिटीशन, और जो रिजल्ट होगा उनका निर्भर करेगा रिट के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि आपका जो एग्जाम है वो कल होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं जज का नाम आप लगातार सुन रहे होंगे, कई लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं, तो जज आपके ऑनरेबल मिस्टर पंकज मित्तल जी और रोहित रंजन अग्रवाल जी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो आप जो दूर के मित्र हैं वो निकल जाएं और अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाएं। ठीक है, सारा चीज़ पहले मैं बता चुका हूँ,
और ब्लैक बॉल पेन लेके जाएं और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह न लेके जाएं। ठीक है, मौसम भी ख़राब है तो जल्दी से आप निकल जाएं, एग्ज़ाम दें, कोई ऑप्शन से चीज़ नहीं है। इसके अलावा मैं दैनिक जागरण वाली न्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आई हो तो वो भी आप देख सकते हैं। और ऐसे ही बने रहें, हम आपको सारी ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं और देते रहेंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगता है लाइक अवश्य कर दें और नए तो सब्सक्राइब भी कर लें, तो देखने के लिए बहुत बहुत